देख लो भाई साहब, दोबारा जिंदगी में शायद ऐसी फिक्र नहीं है। तुम भगा रहे हो, अपने भाग रही है गाड़ी। गाड़ी पागल होगी भाई। यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है हमेशा। देख लो भाई साहब, दोबारा जिंदगी में शायद ऐसी फिक्र नहीं आएगी। 40 नीचे आ रहे हैं, 40 की माइलेज, क्योंकि भाई ये चल रही है गाड़ी, स्लोप पे चल रही है गाड़ी, अपने आप ही ले रही है आरपीएम और 40 की स्पीड आ रही है। क्यों? किलोमीटर एफिशिएंसी। सोचो आप लोग की कितना स्लोप था, जो कितना आप समझ सकते हो, जब 40 की ढलान पे दिखा रही है और गाड़ी दौड़े जा रही है 40। ये ड्रीम फिगर शायद मैंने ना कभी देखी नहीं जिंदगी। अरे वैगनआर में दिखा होगा किसी। और ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर की, ये काफी देर से आई जा रही है। मैं अभी और दिखाऊँ आपको ये। और हमारे गाड़ी में डीजल था कम, तो भाई थैंक यू वेरी मच बंजार। कोई डामाडोल नहीं हुआ है। स्कॉर्पियो आ गई, पुरानी वाली। हाँ, ये वही स्कॉर्पियो है ना जो खड़ी थी। स्कॉर्पियो से टकराई स्कॉर्पियो, और 40 की माइलेज दे रही स्कॉर्पियो। भाई देख लो, मैं मुझे पता नहीं है, काफी देर गाड़ी चला रहा हूँ। और यहाँ पे नहीं दिखा रहे, यहाँ पे भी दिखा रहे, दोनों 40 दिखा रहे। लग रहा है कि हमने कोई कर दिया स्कैम। अगर ये गाड़ी मुझे 40 किलोमीटर पर लीटर में दे रही है माइलेज, तो गुड़गांव तो मैं पहुंच जाऊंगा सिर्फ 15 लीटर में ही। 15 लीटर में गुड़गांव, वाओ। यानी कि 3000 में गुड़गांव, 3000 रुपए में। नहीं नहीं, 1500 रुपए भैया, 1500 रुपए। 1500 रुपए में मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ पे? गुड़गांव स्कॉर्पियो एन में। 1500 रुपए पहुंचे गुड़गांव स्कॉर्पियो एन। कमाल हो गया भाई, तो कमाल हो गया। ऐसा तो मुझे स्कॉर्पियो एन से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। गाड़ी चढ़ते हुए मेरा खून पी गई। अब 41 हो गया, नहीं नहीं डिस्टेंस तो एम्प्टी है। जाते हुए मेरी गाड़ी खून पी गई मेरा। 1050 था, 1050 थी, 3 मिनट हो चुके 40 से। जाते हुए 100 थी इसके अंदर। डिस्टेंस तो गाड़ी जाते हुए पूरा पेट्रोल टैंक मेरा, डीजल टैंक जो खाली कर दिया इस गाड़ी ने, फ्यूल टैंक जो था एम्प्टी। लेकिन अब जब जा रहा हूँ, पता नहीं गाड़ी कंट्रोल ऐसे खुद पकड़ी बैठ गई। एक्सीलेटर भी देख लो। नहीं नहीं, मैं तो ब्रेक मार रहा हूँ सिर्फ। ये बढ़िया बना हुआ है, बढ़िया बना, गजब है ये, बहुत बढ़िया। रुको रुको, बड़ा क्या क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है। अभी देख लो 33। लेकिन ये 30 पे कितनी नीचे कैसे होगी? हां 40 डिस्टेंस टू एमटी कम होते जा रहा है, किलोमीटर 40 दिखाई दे रही है। अजीब फ्रॉड है तो यार, इसको काम का रीसेट कर देते हम कि फिर से आगे ग्लिच हो। ये रीसेट देखो 0 पे कर दिया है, वो तो ग्लिच हो। अब देखते हैं, क्योंकि किलोमीटर तो डिस्टेंस तो एमटी तो कम हो जा रहा है। अब हमने रीसेट किया था इसको, फिर 40 दिखा रहा है। ये तो नहीं गुड़गांव 40 दिखा ले। पर डिस्टेंस टू एमटी कम होता जा रहा है, वो 40 ही आ जा रहा है। तो 40 तो फिर अब तो हमारा ज्यादा होना चाहिए, सो जाना चाहिए। लो भी अब हम जिब भी पहुंचने वाले हैं, 10 मिनट हुए हैं। लेकिन देखो गाड़ी की में रह गया 19 किलोमीटर का डीजल। अब ये देखना है कि क्या हमारी गाड़ी में 19 किलोमीटर के बाद गाड़ी बंद हो जाती है, रुक जाती है, या हमें पेट्रोल पंप या डीजल मिलता है। हमें नहीं पता कहाँ है, अभी भी दिखा रहा है कि काफ़ी दूर है डीजल, क्योंकि ये पता नहीं पहाड़ों पे कैसे खाती है गाड़ी, पी जाती है डीजल पूरा। पर फिर भी 40 की दिखा रही है और 19 किलोमीटर रह गया है मेरा। 38 किलोमीटर पर लीटर माइलेज रह गई है, क्योंकि हम ट्रैफिक देखो ऐसा मिल रहा है हमें, लेकिन ग्लिच नहीं है। पहाड़ों पे बड़ी खास बात होती है, ये यार दोस्त आप हैंडशेक जरूर करते हैं ऐसे। मिल जाते हैं और अपना हैंडशेक करते हैं आराम से, चाहे बस वाले हों चाहे कार वाले हों, ट्रक वाले भी। ये नहीं कि साइड में गाड़ी लगाई बात कर ले, नहीं तो ऐसे ये मुझे ले लेके बात करते हैं। भैया जा रहे हैं बड़ी अच्छी जगह पे, लेकिन गाड़ियाँ सामने से आ जाती हैं और माइलेज रहेगी। अरे आ जा, निकल जा। तो ऐसे लोग निकाल लेते हैं गाड़ी, लेकिन 13 किलोमीटर रह गया और पेट्रोल पंप का अभी कहीं पर भी नामोनिशान नहीं है। इस गाड़ी के ORVM इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, कैमरे से बढ़िया काम करते हैं। 360 डिग्री समझ लो कैमरा लगा रखा है, पीछे कैमरा, ये भी कैमरा। एक माइलेज 32 की हो गई है, माइलेज घट घट के 32 की रह गई है। 40 पे थी, इतनी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि यहाँ रास्ता खराब आ गया।
हाँ इतनी कम आ गई है, लेकिन मेन मुद्दा 13 किलोमीटर का है। क्या 13 किलोमीटर में हमें डीजल मिल पाएगा? ये गाड़ी बंद हो जाएगी, ये गाड़ी बंद हमारी ऐसी तैसी, मतलब टेंशन में हम, पर मुझे उम्मीद है कि पेट्रोल पंप आ जाएगा और या ये गाड़ी चलती रहेगी। जब तक पेट्रोल पंप नहीं आएगा, जैसा होगा आपसे शेयर करेंगे। 5 किलोमीटर रह गया है 24 की माइलेज है, लेकिन पेट्रोल पंप अभी नहीं आया है। बंजार भी अभी 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये है कि माइलेज का और ये जो डिस्टेंस टू एमटी का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं हो रहा है। वो हाई है लेकिन कंज्यूम हुए जा रहा है। डिस्टेंस टू एमटी हाई होना चाहिए। अभी काफी ऊंचाई पे हम, वो सामने बंजार आ गया है, देखते हैं आगे। गाड़ी बंद तो नहीं है हमारी, हमारे मन में पूरा डर बैठा हुआ है, अगर डीजल नहीं आया तो गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी। हैं भैया, अब हम आ गए बंजार। ये वो रास्ता है, अगर आपके पास कोई ट्रेन एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का या ट्रेन ड्राइवर नहीं है तो कोशिश करें कि यहाँ पे, क्योंकि जगह इतनी छोटी सी है। लास्ट टाइम भी फंस गए थे और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है। अब आसपास ही शायद डीजल, बंजार काफ़ी बड़ी जगह है, होना चाहिए कहीं पर। और ये वही जगह है, ये बहुत ही स्लोप पे है बंजार। तीर्थन वैली यही है, देखो 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 देखो, है ना कितनी ऊंचाई। हम क्या करते हैं, ऑल्टो भी ले लेते हैं, क्योंकि ऑल्टो वालों को जगह मिलेगी ना तो हमें मिल जाएगी। ऑल्टो वालों को जगह कैसे मिलेगी? ये देखिए है ना, तो गाड़ी लगा देते हैं यहाँ पे, गाड़ी स्टॉप की हुई है यहाँ पे। यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है हमेशा, यहाँ जगह बचती नहीं गाड़ी की, और ये हम यहाँ पे अक्सर आगे फंस जाते हैं। इसी से डर है बंजार का हमेशा। अब पता है कब निकलेगी हमारी गाड़ी? बंद कर दो, मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ। हाँ जी, बैग ले लो, फोन बैग ले लो। यार लोग खड़े हुए थे बड़े सारे, ये भैया लोगों, ये लोग खड़े हो। आता ना, ये बंजार की सड़क है, ये ऐसे चलती है, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, छोटी गाड़ी होती है, जगह होती नहीं है। तो आप जब भी आए बड़ा ध्यान से आए, कुछ तो जगह वैसे है, कुछ लोगों ने अपनी साइकिल वाइकिल खड़ी करके जगह ऐसी बना रखी है नैरो। ये बंजार है, प्लीज ध्यान से आए यहाँ से निकलते हुए। बंजार नहीं देखा है तो देख लो, ये बंजार है, काफी फेमस जगह है। अगर आपको जिब्बी जाना है, सोया जाना है, शिमला जाना है और जलोरी पास जाना है तो ये रास्ता है। देख लो आप, इसे देख के मुझे कुल्लू की याद आ गई, और अभी तो पुल भी आएगा बीच में रास्ते में, और गाड़ी 4 किलोमीटर रह गया तो ये रास्ता है, और यहाँ से बस भी गुजरती है, यहाँ से बस भी जाती है। तो लोगों ने कैसे है ना, मतलब चलो ठीक है, क्या अभी यहाँ के लोग, हमें तो साल में 5 साल में एक बार आना होता है। यहाँ पे एक पुल आएगा, देखा ये आ गया पुल, और वो आगे देखिए बड़ी गाड़ी, फिर ट्रैफिक जैम कर दिया उन्होंने, रोक के रखो ना वहाँ पे। ये 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर आ गया भाई डिस्टेंस तो एमटी, और ये रास्ता है। लोग सड़कों पे आए हैं, लोगों ने कवर भी किया हुआ है, ये वाला। लेकिन ये कि ये बस यही है बस, अगर यहाँ से बस आएगी भैया तो पकौड़े वाला पेश है अभी। अरे बंजार, ये अब आ गए, ठीक है अब रास्ता ठीक आएगा, अब शायद हमें पेट्रोल पंप मिल जाए। पर दो बस बंद नहीं कर रही है, 2 किलोमीटर दिखा रहा है, पर ये मैं समझ में नहीं आया, 22.8 की दिखा रहा है, वहाँ 40 की थी, पर डिस्टेंस टू एमटी उतना का उतना ही है। ईशान आपको क्या लगता है कितने किलोमीटर बाद? जैसे ही 1 किलोमीटर के बाद जैसे जीरो होगा, खत्म। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, क्यों हो जाएगी? मुझे लग रहा है क्योंकि जो अगर अंदर चला गया डीजल पर्टिकुलर जो फिल्टर थोड़ा सा रहता है तब वो खराब हो जाएगा। और देखो ये तो बात आपकी सही है, कम से कम 10 लीटर डीजल गाड़ी में होना चाहिए हमेशा, जितनी भी हमारी गाड़ियां फ्रेंड ध्यान रखना 10 लीटर इसमें हमेशा ही रहना चाहिए। पर अब क्या करें, बिल्कुल हमारी सुई देखो जीरो पे पहुंच चुकी है, अभी तक पेट्रोल पंप भी कोई नहीं है। 250 किलोमीटर का इसमें डीजल था, अब हमें क्या करना था, ये पहाड़ों पे जान निकाल था ना सरची, वहां पर 200 किलोमीटर का नुकसान हो गया था, 34 किलोमीटर का पूरा सरची भी गए थे हम, सरची का हमें प्लान नहीं था। लेकिन यार सफारी तो बंद नहीं होती थी जीरो पे, शायद ये भी बंद नहीं होगी, होगी तो दिखाएंगे, चला के चलते हैं, पर डर मत तू है। हाँ डर क्यों रहा है, तो थोड़ी ना रहा हूं। हाँ। देख लो अब रह गया 1 किलोमीटर,
और इसका नाम भैया बंजार नहीं बाजार होना चाहिए। 1 किलोमीटर भाई पेट्रोल पंप का होगा, पेट्रोल पंप आगे 5 किलोमीटर आगे जाके। ये कब से 5 किलोमीटर कर रहे हैं भैया? उसने बताया कि अभी कम से कम 5 किलोमीटर गाड़ी मुझे और चलानी पड़ेगी, तब जाके पेट्रोल पंप आएगा और रहेगा हमारी गाड़ी में 1 किलोमीटर। बस गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिक वाला बंद कर दे। और वो कर दे जिप, उस पे है किस पे? जिप पे है, जिप पे है, है? अब जिप पे कर दिया मैंने और देखते हैं 5 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल पाती है नहीं चल पाती। कब से 5 किलोमीटर ही इनका यार, बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है फ्रेंड, किलोमीटर हो गया 0 और पेट्रोल पंप अभी भी नहीं आया है और गाड़ी चल रही है, और गाड़ी लेकिन चल रही है। अब ये देखना है कितने किलोमीटर और चलेगी, पर ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हमारे साथ तो हो गया है क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे माइलेज कम थी और हम थोड़ा एक्स्ट्रा चले गए थे सर्ची, वरना तो काफ़ी था। पेट्रोल पंप ना आगे दे रहा भाई, चलो देखते हैं आगे क्या सीन चलता है। भाई कितनी गाड़ी चलाएंगे तो पहाड़ों पे तो पेट्रोल पंप ही नहीं है, कहाँ है कितनी गाड़ी पता नहीं, कभी भी गाड़ी बंद हो सकती है और पेट्रोल पंप भाई मिल के नहीं रास्ते पे। सब कह रहे हैं आगे 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 आगे, कितने लोगों से मैंने पूछ लिया पर पेट्रोल पंप आगे नहीं दिया। देखो नैनो कैसे खड़ी है, उल्टी हो गई टायर निकाल ले बस के। सब कह रहे हैं पेट्रोल पंप आगे है पर कितना आगे है वो बता नहीं रहे। चलो देखते हैं, पर गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कोई वो नहीं हो रहा, गाड़ी बंद नहीं हो रही, पर हमारे पास हमारा इस वक्त बुरा हाल है कि हमारे गाड़ी बंद ना हो जाए यार, नहीं कि हमने गलती से अगर बंद हो गई गाड़ी तो फिर खुल स्टार्ट होना है, बहुत दिक्कत होती है भैया। 15 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है और 15 किलोमीटर तक, यानी कि इसमें डीजल है अभी, और अब 500 मीटर के बाद कह रहे हैं कि हमारा पेट्रोल पंप आ गया फाइनली, और इस पर डीजल नहीं हुआ तो और मान लो इस पर डीजल नहीं हुआ खेला हो गया, ओए होए होए मजा आ जाएगा, है मजा आ जाएगा, फिर हम गाड़ी ये रोक देंगे भैया। मंगा आ गया भाई फाइनली, इंडियन ऑयल आ गया है और कराते हैं अपनी गाड़ी, सुबह से भूखी मर रही है, मुझला खाली है, इसमें डीजल तेतर में 9 में ना, हाँ लगा दे। आए हो इंडियन ऑयल का मिल गया मुझे, लेकिन रेट यहाँ पे रेट क्या भैया डीजल का? 89.27 हमारा कौन सा है? नॉर्मल लगाना था। अरे मेरे शेयर वो क्या रेट है? 85। हाँ बस 85 रुपये डलवाना भैया, इतने नॉर्मल डलवाएंगे भैया, नॉर्मल 85 है। गाड़ी चढ़ गई, वो हो गई यार 85 रुपीज़ 70 पैसे है, कर दो भैया फुल, आप ही कर दो फुल भैया, कर आते हैं और देखते हैं कितना डीजल आएगा। हाँ करो 0 है भैया, कट लग गया था तो मैंने भैया को बोल दिया कि 47 का कर दो पूरा, रेट तो कम है ही, 47 कर देना 4700 रुपये का, तो एक ठंडी चपनी एक्स्ट्रा कर दे, क्या हो गया तो ये हो गया भैया 4700 रुपीज़ देने भैया को, मैंने 55 लीटर डीजल आ गया है ना, 55 लीटर डीजल आ गया भाई। अब चलते हैं और देखते हैं, थैंक यू भैया। भैया आगे पेट्रोल पंप नहीं है, अगर आप जाते हैं ना आगे कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, जाते हो डलवा के जाएं। अब हमारी गाड़ी में डीजल आ गया भाई, अब ये दिखाएंगे कि कितना इसमें आएगा, और टैंक पूरा फुल हो गया है। 85 रुपीज़ 70 पैसा था, सही है, मैंने 55 लीटर आ गया डीजल में, और टैंक है 57 लीटर का ही, इसका मतलब दो लीटर बाकी था, 2 लीटर था, फिर भी 15 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी चल गई थी। आप ये कोशिश ना करें, अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, दोनों रीसेट हो गए अभी आ जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए कि 200 किलोमीटर तक आगे पेट्रोल पंप नहीं है भैया, और ये 200 किलोमीटर का मतलब है समझ गए ना पहाड़ों कैसी होती है। तो चलते हैं, जैसी रीडिंग आएगी मैं बताऊँगा आपको।